हलो तो गाइड गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों को मेरा प्यार नमस्कार और मैं ए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्टबुक यू पी पास सो जल्दी से फटाफट आ जाइए सेशन को ज्वाइन करिए गुड मॉर्निंग पुनी से राजपूत मैं बढ़िया हूं आप कैसे हैं जय श्री राम पुनीत और अंकिता गुड मॉर्निंग अजय अंजलि शर्मा गुड मॉर्निंग और पुनीत गुड मॉर्निंग अंकिता गुड मॉर्निंग मैं एकदम बढ़िया हूँ अंकिता आप कैसे हो एकदम बिंदास मैं बढ़िया हूँ एकदम से आप कैसे हो चलिए फटाफट जल्दी से आ जाइए बेटा और सेशन को शुरू करें क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग चलिए हाँ जी जो लोग ज़िंदा हैं वो आ जाइए और जो सो रहे हैं वो भी आ जाओ ठीक है और क्लास की पीडीएफ बता दूँ आपको मिलेगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर जो इसका नाम है ए पी एस बुक के नाम से राइट ठीक है चलो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए क्लास की पीडीएफ चलिए पकड़ते हैं मेरा पहले सवाल की तरफ और पहला सवाल आपका आज का ये है कि दीना अशेर दीना अशेर स्मिथ इज अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट दीना अशर स्मिथ एक ब्रिटिश खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस खेल से है क्रिकेट से है टेनिस से है स्प्रिंटर से है या फिर आपका वेट लिफ्टिंग से है किस से है दीना अशर स्मिथ इज अ ब्रिटिश स्पोर्ट पर्सन एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट क्रिकेट टेनिस स्प्रिंटर और द वेट लिफ्टिंग चलिए भाई बताइए क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में सटरडे आ जाओ सटरडे को पार्टी पार्टी करोगे आप लोग कल कौन कौन पार्टी करने गया था फ्राइडे पार्टी करने गए क्या आप सब लोग जल्दी से जॉब ले लीजिए जल्दी से फिर पार्टी पार्टी किया करो फ्राइडे को फिर सैटरडे को आराम से रेस्ट मारा करो सैटरडे संडे में चलिए क्रिकेट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से स्प्रिंटर हो जाएगा क्रिकेट नहीं होगा यहाँ पर स्प्रिंटर होगा तो डीना असर आपका क्या है एक ब्रिटिश खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस खेल से, किस से है किससे बेटा स्प्रिंटर हैं ये क्रिकेटर नहीं है क्रिकेटर नहीं है राइट चलिए जन्माष्टमी मना रहे थे कृष्ण जी तो देखो पैदा हो गए और किशन जी ने कंस को भी मार दिया और किशन जी भगवान भी बन गए हाँ तो कृष्ण जी ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे अपने काम वाम छोड़कर अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम हमें क्या करो हमारे पूजा करो और उसके चक्कर में तुम सुबह की क्लास मत करो एक तो मतलब जन्माष्टमी मनाना क्या हो गया तुम्हारी जन्माष्टमी ख़राब हो गई अगर ऐसा है जन्माष्टमी मनाने चक्कर में सो रहे हो तो तुमने जन्माष्टमी अपनी ख़राब कर ली कृष्ण जी को उस पर चलो कृष्ण जी देखो कितने अपने मकसद उन्होंने पूरा किया अपने जीवन जीने का जो लक्ष्य था वो दिया गीता का उपदेश दिया उन्होंने हाँ महाभारत को पूरा कंट्रोल किया कंस का वध किया कितना कुछ सीखने कृष्ण जी के साथ में हाँ चलो आगे बढ़ते हैं उन्नीस अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज विच डे उन्नीस अगस्त को किस दिन के रूप में मनाया जाता है जरा बताइए हमको वर्ल्ड फोटोग्राफर डे मनाया जाता है या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है या फिर आपका वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है क्या दिन मनाया जाता है आपका चलिए हाँ तो तुम कृष्ण जी के बराबर हो प्रशांत तुम अवेलेबल हो यू आर लाइक अ गॉड कृष्ण जी आगे बढ़ते हैं चलो किस दिन को 19 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाया जाता है तो आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हो जाएगा समझो कल फोटोग्राफी डे था और तुमने फोटो नहीं खींचा अरे फोटो खींचा कि नहीं खींचा किसने किसने फोटो खींचा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचा करो एकदम से टेढ़ा वेढ़ा मुंह बना के सेल्फी वेल्फी खींचा करो बढ़िया से किसको किसको सेल्फी खींचना आता है तुम में से बताओ जरा हमको आज देखें में से किसको किसको सेल्फी खींचना नहीं आता है ये बताओ आता तो सबको ही होगा किसको किसको नहीं आता है हम तो सेल्फी खींचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी पास पासपोर्ट साइज़ फोटो खिंचा रहे हैं। <coughs> चलो हम जब भी सेल्फी खींचते हैं तो हमको ये लगता है कि हम पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो खिंचा रहे हैं <coughs> बताएं, चलो भाई आ जाओ चलिए बस बढ़िया मुझे नहीं आती अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं आ जाएगी जब किसी से मिलोगे तो आ जाएगी चलिए वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डा जे डब्ल्यू एस सी के डेटा से वर्चुअल एक्सो मून का पता लगाने का मॉडल तैयार किया है और जब इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था कब नवंबर 2021 दिसंबर 2021 जनवरी 2022 या मार्च 2022 साइंटिस्ट मॉडल्ड द डिटेक्टर ऑफ द वर्चुअल एक्सो मून्स फ्रॉम द डेटा फ्रॉम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जे डब्ल्यू एस टी याद रखिएगा ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब पूछे जाते हैं तो थोड़ी हवा नहीं लगती है तो इनको थोड़ा सा ध्यान से याद नोट कर लीजिए जे डब्ल्यू एस टी वन दिस टेलीस्कोप आज लॉन्च इन टू स्पेस कब इसको स्पेस इस में लॉन्च किया गया था चलो भाई बताएँ नवंबर दो या फिर आपका आ जाएगा यहाँ से कि जनवरी या मार्च कब किया गया था लॉन्च तो आंसर हो जाकर बैठा दिसंबर 2021 हजार इक्कीस में उसको किया गया था स्पेस में लॉन्च किया गया था ठीक है बात कब किया गया था नवंबर दो हजार दिसंबर 2021 में किया गया था बहुत ही बढ़िया एकदम बढ़िया आंसर लगाए सारे के सारे लोग सारे सारे लोग आंसर बढ़िया लगाए हो कि एकदम बिंदास लगाए हो अब अच्छा एक बात बताओ एक बात पूछी अगर आपसे कि किस किस कंट्री या किस ऑर्गेनाइजेशन का है किस कंट्री ने किया है किस कौन सी कंट्री है जिसने ये जे डब्ल्यू एस टी को क्या किया है स्पेस में लॉन्च किया है तो उस कंट्री का नाम भी बता दीजिए जरा कंट्री कौन सी हो जाएगी एनी वन नासा ने किया वेरी गुड बहुत बढ़िया <coughs> आगे बढ़ते हैं स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय ंगा एन एम सी जी अप्रूव थर्टीन रेनोवेशन प्रोजेक्ट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी रुपीज सात सौ करोड़ सात सौ अठारह करोड़ आठ सौ करोड़ या फिर आपका आठ सौ अठारह करोड़ स्वच्छ गंगा के लिए तो स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है आपका एनएमसीजी इसकी कार्यकारी समिति ने तेरह नवीकरणीय परियोजनाएं बनाई हैं जिसकी कीमत कितनी है अठ आठ सौ अठारह करोड़ है आठ सौ अठारह करोड़ गंगा की सफाई बहुत दिनों से चल रही है गंगा की सफाई हो भी रही है गंगा पे बहुत सारे काम भी हो रहे हैं और नदी इतनी लंबी है और इतना एरिया कवर करती है तो काफ़ी कुछ इसमें खर्चा भी आता है राइट चलो इस बार कितना है आठ सौ अठारह करोड़ आगे बढ़ते हैं वेरी गुड विच ऑफ़ द हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट निम्नलिखित में से कौन हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है अब ये सवाल आपका वेरी बेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको दो स्टार बना दिया करूँ इन सवालों को नोट कर लिया करूँ ध्यान से हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जरा बताएं हर घर जल बढ़िया आंसर हो जाएगा आपका गोवा आंसर हो जाएगा गोवा तो हर घर जल मिशन क्या है हर घर जल मिशन के तहत हमारे सरकार ने ये आ, क्या बोलते हैं प्रण लिया है कि हम हर घर के आप पहुँचाएंगे पीने का पानी पहुँचाएंगे हर घर में टैप होगा हर घर में पीने का पानी होगा ये नहीं होगा कि महिलाएं जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर दूर तक जा रही हैं पानी नहीं है लोगों के पास में तो हर घर पीने का पानी पहुँचाएंगे कौन हमारी गवर्नमेंट तो ये हमारी स्कीम हो गई हर घर जल योजना हो गई ठीक है गोवा क्लियर यहाँ तक कोई कोई डाउट चलिए अच्छा हर घर जल मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च कब किया गया था ये आप लोग पता करके रखा करो इसको लॉन्च कब किया गया कब इसको लॉन्च किया गया हर घर जल स्कीम को कब लॉन्च किया गया एक तो पॉइंट ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया बताए जल्दी से हर घर जल स्कीम को कब लॉन्च किया गया एनी वन आप में से कोई भी अभी तक कोई नहीं बताया है 2019 वेरी गुड 2019 अमोल चौकले दे रहे आंसर और कौन से ईयर तक इसको हर घर जल योजना को क्या करना है कंप्लीट करना है सारे घरों तक जल को है जो पहुंचाना है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 2019 में स्टार्ट हुआ 2019 में और इसको टारगेट दिया गया 2024 2024 तक तो 2019 से 2024 तक हर घर क्या पहुँचाएंगे ये जल पहुंचाएंगे ठीक है क्लियर हाँ जी हाँ हर घर जल भाई दो वेरी गुड अमोल आगे बढ़ते सवाल यहाँ से आता है कि वेयर वॉज द फर्स्ट दुरंध कप ऑर्गेनाइज इन द नॉर्थ ईस्ट एशिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्व भारत में पहला दुरंद कप कहां आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय या फिर आपका असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय और असम यहाँ पर किस जगह पर दुरंत कप क्या किया गया था पहली बार आयोजित किया गया था आपका उत्तर पूर्व भारत में चलिए भाई बताएं किस जगह पर तो उत्तर पूर्व भारत में सबसे पहले जो दुरंत कप था वो किसमें आपका मणिपुर में या देखिए मणिपुर इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर में क्या किया गया था पहली बार आयोजित किया गया था वेरी गुड मणिपुर चलिए और किस टूर्नामेंट के लिए कप आता है? ये भी सवाल है तो दुरंत तो हो जाएगा किस से फुटबॉल फुटबॉल रिलेटेड हो जाएगा ठीक है फुटबॉल फुटबॉल रिलेटेड हो जाएगा आपको कौन सा दुरंत कप वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ेंगे चलो

मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स चलिए भाई बताएं इनमें से कौन क्या कर रहा है पखवाड़ा को क्या कर रहा है यहाँ पर आपका कैबिनेट सचिवालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्देश सारा? कौन सा मंत्रालय सोलह से इकतीस अगस्त दो तक स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो आयोजित कर रहा है तो इसमें से आपका जवाब क्या हो जाएगा चलो भाई बताएं जल्दी से एनी चलो आ जाओ ए आंसर आ जा रहा है आपका आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स भाई ये नहीं होगा मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया पुनीत सिंह राजपूत मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका जवाब होगा वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ेंगे चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात बताइए क्या बोलते हैं ये आ, क्या बोलते हैं आप अगस्त दो हजार बाईस में पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है ठीक है बात चलिए आगे बढ़ेंगे ओके अगला सवाल देखते हैं यहां से कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सी पुरस्कार दो के विजेताओं और सम्मानीय उल्लेखों की क्या की है घोषणा की है तो बीच मिनिस्ट्री हैजनाउंस द बिनर्स एंड ऑनरेबल मेंशंस ऑफ द नेशनल सीएसआर अवार्ड 2020 मंत्रालय ऑफ द फाइनेंस अफेयर्स वित्त मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अफेयर्स आपके आवास मामलों के मंत्रालय चलो भाई किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सी एस आर पुरस्कार दो हजार बीस के मंत्रालयताओं और सम्मानीय उल्लेखों को क्या की है घोषणा की है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा वेरी गुड चलिए आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका जवाब हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ऑपरेटर्स होगा ठीक है वेरी गुड अंकता आगे बढ़ते हैं किस हवाई अड्डे को बड़ी हुई क्षमता और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक नया टर्मिनल भवन मिलेगा विच एयरपोर्ट विल गेट अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग विद इंक्रीज कैपेसिटी एंड वर्ल्ड क्लास आपका फैसिलिटेट्स फैसिलिटीज तो दिल्ली हवाई अड्डा कोलापुर हवाई अड्डा राजीव गांधी इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट या फिर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हवाई अड्डा तो बिच एयरपोर्ट विल गेट आर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग विद इंक्रीज कैपेसिटी जो हो जाएगा हमारा का आपका कोलापुर हवाई अड्डा राइट कोलापुर को मिलेगा एक नया टर्मिनल मिलेगा कोलापुर हवाई अड्डा ठीक है बी इज द राइट आंसर कोलापुर ना 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 नेताजी नहीं है रेनू मौर्या ने सही आंसर दिया है कोलापुर कोलापुर के कुछ और चीज़ भी फेमस है कोलापुर का कुछ और भी फेमस है जरा कोई बताएगा मुझे और क्या चीज़ फेमस है कोलापुर की कोल्हापुर कोल्हापुर की कुछ और भी और भी फेमस है कोल्लापुर जो है महाराष्ट्र का एक एक बहुत ही उन्नत ज़िले में आता है महाराष्ट्र का राइट कोल्हापुर कोल्लापुर किस में आता है महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र का एक एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक ज़िला है और यहाँ का कुछ फेमस है कोल्हापुर का कई सारी बात सुना होगा आप लोगों ने हाँ कोलापुरी चप्पल फेमस है गजब चप्पल होती है सही उदाहरण लखनऊ मिलती है कभी जाइएगा अमीनाबाद अमीनाबाद में जाने के बाद आप जाओगे और राइट में जाके एक शॉप है वहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल ही मिलती है सिर्फ चलिए साड़ी साड़ी कहाँ से मिलती कोलहापुरी साड़ी के का पहना दी तुमने भाई साड़ी लेके जाओगे कोल्हापुर से अबे चप्पल लेके जाओ बढ़िया होती है देखने में बेहतरीन वाली ठीक है हाँ जी आगे बढ़ते हैं सवाल यहाँ से आता है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त 2022 को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रधान खंडपीठ बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे तो हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह पहला बार तो ये याद कर लीजिएगा बीस 20 अगस्त दो हजार को मतलब आज के दिन आज ही आज क्या करने वाले हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रधान खंडपीठ बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर करने वाले हैं दिल्ली कोलकाता लखनऊ एंड द इंदौर तो बेटा हो जाएंगे ये दिल्ली में करने वाले हैं कहां पर करने वाले हैं ये दिल्ली में करने वाले हैं ठीक है दिल्ली इज द राइट आंसर वेरी गुड दिल्ली आगे बढ़ते हैं सवाल यहाँ से आता है कि 20 जुलाई 2022 मतलब आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है वाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवील्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी ऑन द 20 जुलाई 2022 मतलब आज के दिन नहीं मतलब आज के जस्ट एक महीना पहले आज तो अगस्त हो गई तो बरुणा जटायु सारस और आपका हो जाएगा पवन तो इनमें से क्या आंसर होना चाहिए आपका तो हो जाएगा बेटा बरुणा तो बरुणा जो है आपका पहला यात्री ड्रोन का नाम है सवाल आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए भाई क्या है ये बरुणा है बरुणा आपका पहले यात्री ड्रोन का नाम है ठीक है आगे बढ़ते हैं जुलाई 2022 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफ इन जुलाई दो हजार बाईस सैफ अहमद नरेंद्र बत्रा डेर जेम्स और बोरेन स्मिथ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका सैफ अहमद आंसर हो जाएगा राइट तो सैफ अहमद यहां से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बात आगे बढ़ा जाए वेरी गुड अच्छा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात की जाए अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात की जाए इसका तो इसका हेडक्वाटर कहाँ पर होगा और इसकी स्थापना कब हुई तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए चलिए तो 1924 को याद देखिएगा 1924 में 1924 में इसकी स्थापना की गई थी 1924 में और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पर पड़ेगा बेटा वो पड़ेगा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ेगा राइट किस जगह पर पड़ेगा स्विट्जरलैंड लुसाने करके एक जगह पड़ती है लुसाने लोसाने जो है वो स्विट्जरलैंड में जगह पड़ती है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड स्विजरलैंड ठीक है बात चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ते हैं चलिए हाँ जी उन्नीस सौ चौबीस स्विजरलैंड में वेरी गुड अंकिता सिंह जी गुड मॉर्निंग मीनल देवगड़े जी कितने क्वेश्चन हुए काफी हो गए पांच छह क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे सात तो, आठ नहीं दस क्वेश्चन हो गए होंगे और महाराष्ट्र की कोल्लापुरी चप्पल भी चलेगी आप थी नहीं बताइए चप्पल चली गई आगे बढ़ते हैं रूस और यूक्रेन ने जुलाई 2022 में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ किस में अलग अलग समझौतों पर क्या किए हैं हस्ताक्षर किए हैं रशिया एंड यूक्रेन साइंड सेपरेट एग्रीमेंट्स इन विच इन द जुलाई 2022 विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशंस इस्तांबुल अंकारा रोम और द पेरिस अंकारा रोम या फिर पेरिस तो रूस और यूक्रेन ने जुलाई 2022 में जो अभी संयुक्त राष्ट्र के साथ यूएनओ के साथ क्या किए हैं अलग अलग सब्जों पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये कहाँ पर किए हैं बेटा इस्तांबुल में किए हैं राइट इस्तांबुल में इस्तांबुल के नाम से मूवी भी ए, एक एक मूवी भी आई थी पहले बॉलीवुड की मिशन इस्तांबुल करके आई थी हाँ इस्तांबुल चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ से बात करेंगे यहाँ पर देखो दो कंट्री की बात हो रही है रूस और यूक्रेन तो इनकी कैपिटल वगैरह देख लो यार कि रसिया की कैपिटल क्या है और यूक्रेन की सॉरी यूक्रेन की कैपिटल क्या कैपिटल पूछी जा सकती है क्योंकि दोनों कंट्री का जिक्र हो रहा है राइट रशिया की कैपिटल हो जाएगी आपकी मॉस्को हो जाएगी मॉस्को और इसकी क्या हो जाएगी कीव हो जाएगी राइट यूक्रेन की क्या हो जाएगी यूक्रेन कैपिटल हो जाएगी बेटा कीव हो जाएगी ठीक है बात चलिए आगे बढ़ेंगे बढ़िया आगे बढ़ेंगे हाँ रशिया की हो जाएगी मॉस्को एंड यूरो कीब हो जाएगी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इन जुलाई 2022 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ हेज डिक्लेयर बेचा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जुलाई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू ने किसको एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है चिकन पॉक्स को इबोला को मंकी पॉक्स को या फिर आपका इन्फ्लुएंजा को चलिए तो बेटा कौन सा हो गया बेटा ये हो गया मंकी पॉक्स हो गया मंकी पॉक्स अच्छा मंकी पॉक्स किससे फैलता है जरा बताइए मंकी पॉक्स कौन से जानवर से या किस इंसान से किससे फैलता है मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स किससे फैलता है एनी जरा बताइए मंकी बॉक्स किससे फैलता है मंकी से फैलता है बढ़िया मंकी बॉक्स फैलता है बेटा मंकी से फैलता है मंकी से फैलता है मंकी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका मंकी मंकी बहुत बढ़िया Monkey क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर मंकी बॉक्स आगे बढ़ते एज पार्ट ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट टू साउथ ईस्ट एशिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल विजिटेड सिंगापुर इन जुलाई दो हजार बाईस दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी तैनाती के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने जुलाई 2022 में सिंगापुर का दौरा किया आई एन आईएनएस आई एन एस कदमत आई एन एस कावेरी और अवोत वन एंड टू चलिए और अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था बीच बीच, बीच में एक बार चलिए किसने दौरा किया एनी वन एनी वन एनी वन एनी वन चलिए भाई बहुत बढ़िया मंकी डॉग स्क्वायरल तीनों से भी हो सकता है ऐसा कहा गया है हाँ कहा गया है हो सकता है तीनों से लेकिन बेसिकली जो ओजिनेट हुआ है वो मंकी से ओजनेट हुआ है राइट मंकी से ओजिनेट हुआ है और एक सेक्सुअल डिसीज भी कहा जाता है इसको राइट चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बोथ वन एंड टू आई एन एस साद्री एंड आई एन एस कदमत ये दोनों हो जाएंगे राइट आई एन एस साद्री एंड आई एन एस कदमत हो जाएंगे दोनों पॉइंट क्या करेंगे आप याद रखेंगे ठीक है जुलाई दो हज़ार बाईस में सिंगापुर का द्वारा इन्होंने किया ठीक आगे बढ़ते हैं सवाल यहां आते हैं विच कंट्री हैज एज द टॉप लीडर टू श्रीलंका इन द फर्स्ट फोर मंथ ऑफ 2022 कौन सा देश 2022 के पहले चार महीनों में श्रीलंका के लिए शीर्ष रणदाता के रूप में उभरा है इंडिया चाइना मालदीप और यूएसए किसने दिया है श्रीलंका को आपका ऋण दिया है लोन दिया है मतलब शीर्ष चार में आपका मतलब उभरा है जरा बताइए एनी फटाफट बताइए बेटा बहुत बढ़िया इंडिया 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 इज राइट आंसर हो जाएगा राइट और इंडिया को करना पड़ेगा इंडिया को ये करना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया को अपनी पकड़ बनानी है तो इंडिया को करना पड़ेगा जब भी आपका पड़ोसी कभी जरूरत में हो और आप चाहते हो कि पड़ोसी आपके फेवर में रहे और चाहते हो पड़ोसी आपके आपके काम आए ना आए लेकिन आपके आपके उसमें रहे तो याद रखिएगा तो कि जब भी ज़रूरत पड़े उसकी हेल्प जरूर किया करो जो भी आप, आपका आपको पड़े जब आप किसी की हेल्प करते हो तो इंसान वो आपसे थोड़ा सा एक लगाव की भावना लगा लेता है कि नहीं यार तो फिर डिच नहीं करता है लेकिन आप कुछ ऐसे भी होते हैं कि सौ में एक दो होते हैं कि वो डिच करते ही करते हैं उसको छोड़ दीजिए अब देखो इंडिया की समस्या है क्या इंडिया की समस्या ये है कि ये आप देख रहे हैं पूरा इंडिया का अगर कर बात करें मैं तो ये इधर श्रीलंका आपकी हो गई ठीक इधर आपका ये यहाँ पे एक खतरा हो गया पाकिस्तान हो गया इसके अलावा इधर भी आपका कुछ खतरे हो गए यहाँ पर इस जगह पर इधर तो बैठा हुआ है चाइना कुछ खतरे आपके यहाँ पर हो गए कुछ खतरे आपके इस इस जगह पर हैं ऐसे करके एक खतरा आपका यहाँ पर नीचे साइड में तो ये ऐसे करके ना चाइना ने इन जगहों पर क्या कर रखे हैं कब्जे कर रखे हैं अगर इस पॉइंट को देखें इस पॉइंट को जोड़ें इधर आपको जोड़ें ये जोड़ें ये जोड़ें ये जोड़ें ये जोड़ें एक और ऐसे चला जाएगा ऐसे करके तो ये पूरा एक नेटवर्क बनता है इस तरीके से ठीक है जहाँ पर चाइना ने अपना कुछ ना कुछ क्या कर रखा है खड़ा कर रखा है यहाँ पर राइट कोई अपना यहाँ पर पोत बना रखा है कुछ उन्होंने अपना बंदरगाह बना रखा है कुछ उन्होंने अपना मिलिट्री कैंप बना रखा है इसको एक नाम से जानते हैं वो नाम आप बता सकते हैं कोई एनी कोई भी कोई भी <coughs> इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स के नाम से जाना जाता है ये स्ट्रेटजीज होती हैं अब देखो अगर यहाँ पर चाइना पूरी तरह से बैठ जाएगा तो इंडिया के लिए खतरा है यहाँ पर अगर चाइना पूरी तरह से बैठ जाएगा तो यहाँ पर इंडिया के लिए खतरा है पाकिस्तान में तो पूरा कंट्रोल किया हुआ है उसने राइट तो यहाँ पर इंडिया को आना पड़ेगा आगे अपने पड़ोसी देश जितने भी हैं चाहे वो नेपाल हो नेपाल पर भी नजर है चाइना की तो नेपाल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा पूरी तरीके से ठीक है इधर आपका भूटान को भी करना पड़ेगा तो जितने पड़ोसी देश हैं इंडिया को क्या करना पड़ेगा इनका सपोर्ट करना पड़ेगा राइट चलिए लोटस टावर भी है श्रीलंका में हाँ जी तो इसको स्ट्रिंग ऑफ पल के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हाँ और वो भी चाह रहा है चाइना एक जब पल्स और ड्रॉप्स कुछ भी कर सकते हैं चलो ठीक है

एंड स्पेसिफिक टैंक्स इन द जुलाई 2022 तो जुलाई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सीबर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है सरल स्कीम स्वच्छ स्कीम निर्मल निर्मल योद्धा स्कीम या पर बोला जाए आप लोगों से नमस्ते स्कीम चलो भाई तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा नमस्ते स्कीम हो जाएगी नमस्ते स्कीम देखो तीन योजनाएं हो गई ये सीवर और सेप्टिक टैंक के बारे में है स्वच्छ आपका हर घर जल योजना भी हमने देख ली ठीक तो ये 2024 तक इसका टारगेट है या जाएगा नमस्ते स्कीम आ जाएगी राइट चलिए और याद देखिए नमस्ते स्कीम के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं नमस्ते स्कीम क्या है व्हाट इज द नमस्ते स्कीम आपके दिमाग मारोगा होगा सर नमस्ते स्कीम क्या है नमस्ते स्कीम में क्या किया जाएगा क्या ऐसा होगा नमस्ते स्कीम में ठीक है थीके? चलो हैनी चलो ठीक है तो हाँ जी सैनिटेशन वगैरह से है सैनिटेशन वगैरह से है सैनिटेशन सैनिटेशन और स्वच्छता वगैरह से, से कि भाई सैनिटेशन और स्वच्छता से की वजह से किसी के भी क्या करने देंगे मृत्यु वगैरह जो है वो नहीं होने देंगे यहाँ पर तो ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ प्रेरण दिए गए सफाई को लेकर ठीक है आगे बढ़ते हैं और वाट इज इज वाट इज फूजियान रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ हाल ही में समाचारों में देखा गया आपका फूजियान क्या है फूजियान आपका जापान का इंडिजनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है जापान का स्वदेशी मिसाइल रोधी कार्यक्रम है या फुजियान जो है क्या है चीन का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है या फिर एक उत्तर कोरिडारी रडार प्रणाली है या इजराइली शॉर्ट रेंज आपकी मिसाइल आपका लॉन्चर सिस्टम है तो फुजियान जो है आपका आपका चाइना की पहली इंडिजनस एयरक्राफ्ट कैरियर है राइट चाइना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कौन सा इसको बोलेंगे आपका फूजियान फुजियान नाम से लग लगेगा फूजियान फूजयान ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फूजियान अमूल चौकले बोल रहे हैं मीनल जी ठीक तो हो कहाँ थी आप ऐसा कुछ पूछ रहे हैं क्या फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया हैज पास्ट अवे इन जुलाई 2022 भारत में जो इंटरनेट के पिता कहे है जाते हैं इंटरनेट के जनक कहे है जाते हैं इनका जुलाई 2022 में निधन हो गया है और कौन है वो अवंतिका सेठी राजी अराशु आजाद अजीत बालकृष्णन या फिर विजेंद्र के सिंगल चलो भाई फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया हैज पास्ट अवे इन जुलाई 2022 भारत में इंटरनेट के जनक किसको कहा जाता है तो वो जाएंगे हमारे ब्रजेंद्र के सिंगल जी को इंटरनेट का जनक कहा जाता है ब्रजेंद्र के सिंगल ठीक है चलिए ब्रजेंद्र के सिंगल इज द करेक्ट आंसर चलिए भाई आ जाओ फटाफट हाँ सिंगल सिंगल होंगे यहाँ पर सिंगल नहीं है सिंगल नहीं सिंगल है राइट चलो भाई आ जाओ अच्छा एक बात बताओ कि इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई जरा बताएं भारत में अगर पूछा जाए आप लोगों से इंटरनेट कब आया था भारत में तो आपका जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा कोई बता सकता है मुझे चलो उन्नीस सौ पचानवे उन्नीस सौ पचानवे वेरी गुड और कोई और कोई आप में से इंडिया में इंडिया में कब आया था जरा बताइए एनी वन चलिए देखो ये बयासी साल के थे 82 ईयर के थे 82 ईयर के और इनकी उन्नीस में कंपनी हुआ कर दी थी नाइनटीन में नाइनटीन में उन्नीस में तब इनकी एक कंपनी हुआ कर दी कोई बता सकता है इनके कंपनी का नाम कोई भी एनी वन हाँ कंप्यूटर राजीव गांधी आ जाएंगे कोई बता सकता है मुझे तो इनकी कंपनी हुआ कर दी इनका नाम था इनमार सेट इनकी कंपनी हुआ कर थी इनमार सेट इनमार सेट कंपनी को इन्होंने उन्नीस में छोड़ा और उस टाइम पर जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत की थी बी ने राइट बी मतलब ये वाला बी एस ने मतलब बी था मतलब ये था भी, ये भी नहीं था ये बी की जगह पर ये था ये क्या बोलते हैं वी एस एर एन एल तो इसकी शुरुआत की थी इन्होंने उन्नीस सौ इक्यानवे के बाद फिर आपका उन्नीस सौ इक्यानवे में कंपनी छोड़ के बाद इन्होंने शुरुआत की और भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत होती है वो नाइनटीन में होती है उन्नीस में इसकी शुरुआत हो जाती है ठीक है बात क्लियर चलो भाई बढ़िया हाँ जी हाँ विदेश संचार था वेरी गुड प्रशांत क्या बात है इम्प्रेसिव आगे बढ़ते हैं Ranking 2021 in july 2022 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है गोवा और केरल गुजरात कर्नाटक राजस्थान और उत्तर प्रदेश या फिर आपका गुजरात और महाराष्ट्र स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन रहा है तो स्टार्टअप के मामले में हमारा गुजरात और कर्नाटक गुजरात कर्नाटक में बहुत स्टार्टअप खुले हैं बता रहा हूँ और ख़ासकर गुजरात तो मतलब स्टार्टअप के मामले में टॉप पर है तो गुजरात और यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक इज जा, राइट आंसर हो जाएगा राइट आगे बढ़ते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रे रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीनस तो सियालदा रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन या फिर बोला जाए आप लोगों से कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया एनी वन चलो भाई एनी वन एनी वन एनी वन चलिए सीएसएमटी वेरी गुड सी एस एम टी सी एस एम टी सी एस एम टी आंसर जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ठीक है और यहाँ देखिए बहुत मतलब स्क्रीन लगाई लगाएगी बढ़िया सी स्क्रीन मतलब यात्रियों को आकर्षित करने के लिए और वो देखने के मतलब आकर्षित करने के लिए स, स, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से लगाया गया यहाँ पर और मैं गया था अभी सी शायद अभी गया था जब आपकी कौन सी तारीख थी चौदह अगस्त चौदह अगस्त को गया था फोर्टीन अगस्त या शायद फिफ्टीन अगस्त चौदह 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 या पंद्रह में एक, एक तीन तेरह या बारह में गया था तो सी गया था मैं और सी में मतलब बढ़िया है मैं पहली बार सी गया था अभी शायद तेरह अगस्त को गया था जब मैं छोटी भी था पहले दिन तो थर्टीन अगस्त आई वॉज़ इन सी एस एम टी सी एम श्री गया था और फर्स्ट टाइम गया था मैं क्योंकि उससे पहले जब आया था तो था होके आया था वो फर्स्ट टाइम गया तो बाकी में बहुत सुंदर बना हुआ है उसके बाहर निकलोगे आप तो एक लगेगा आपको फील आएगा कि यू आर इन मुंबई तो वहाँ जाके फील आता है कि आप मुंबई में हो इधर नवी मुंबई में आपको कोई फील नहीं आता है कि आप मुंबई में हो और वहाँ जाके आपको फील आता है और उसके बाद वहाँ पर देखने को मिलता है मतलब कई सारे वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह हैं बहुत अच्छी हैं वहाँ पर बढ़िया है और बाहर निकलती है आपको बहुत सुंदर सी बिल्डिंग दिखेगी मुझे उसका नाम नहीं पता था क्या थी लेकिन कुछ तो बढ़िया सा था और वहाँ जाके आपके वहाँ की टैक्सी वहाँ की बसेस वहाँ का क्राउड आपको लगेगा कि यू आर इन मुंबई नाउ राइट लेकिन इधर नहीं लगता इधर तो लगता है कि अपन अभी भी लखनऊ के जानकीपुरम में टहल रहे हैं ठीक है ना अभी मुंबई में चलिए आगे बढ़ते हैं <laughs> नहीं सही बता रहा हूँ बीकेसी की बिल्डिंग है अच्छा बीकेसी की बिल्डिंग है और मैं अभी तो यहाँ पर अभी नवी मुझे भी तो नवी मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मैं लखनऊ में हूँ ये आपका जानकीपुरम वाला एरिया जो है उस तरीके से मैं यहाँ पर हूँ बढ़िया लेकिन अच्छा बनाया मोल बहुत अच्छा बना है काफ़ी अच्छा बना है राइट आगे बढ़ते हैं फिर आपका चार जुलाई दो को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई परिसर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है तिहान एनी चलिए इन बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी आई आई टी कैंपस यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान चलो भाई तो आई टी गुवाहाटी आई आई टी जोधपुर आई टी मद्रास या फिर आई टी हैदराबाद तो आंसर क्या हो जाना है आंसर हो जाना है इसका वेरी गुड आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी हैदराबाद कोई था इसमें चीता कोई चलिए की होता हैदराबाद बोलता की होता तो आंसर क्या होता उद्घाटन कौन करता <laughs> हैदराबादी भाषा ऐसे बोलते हैं चार जुलाई 2022 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्था ने परिसर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वास्थ्य नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन करता <laughs> चलिए तो ऐसे बोलते हैं हैदराबादी में हाईडी हैदराबाद वेरी गुड चलिए आईडी हैदराबाद इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका वेरी गुड हाँ चार मीनार होता चलो वेरी गुड तो आगे बढ़ते हैं इधर 4 जुलाई 2022 में यूके संसद द्वारा आयुर्वेद का रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया चलो कौन सम्मानित होता चार जुलाई 2022 में यूके संसद द्वारा और पुरस्कार मिलता आयुर्वेद रत्न पुरस्कार डॉक्टर नरेश तिरहन एंड डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी या फिर आपका डॉक्टर right को सम्मानित किया गया है आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से ठीक है क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया मिनल अनमोल आर के अंकिता नीरज अंजलि पुनीत बहुत सुंदर अगला देखते हैं सवाल ऐसे जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अपॉइंटेड एंड द कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई इन द जुलाई 2022 तो जस्टिस बिपिन शंग, बिपिन संगी जी या आपका न्यायाधीश आपका अमजद एहतसम सईद जी या न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा जी या फिर न्यायाधीश आपके विनीत शरण जी चलो भाई रिवाइज करवा रहा रहाँ आपको मैं आज सैटरडे को मैं रिवाइज करवाया करूँगा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे भी उसी उसी तारीख के और इसके अलावा कुछ रिविजन क्वेश्चन रहेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो भूलने में मैं तुम्हारी मदद मतलब ना भूलने में, में मदद करूँ ठीक है तो मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता मैं तुम्हें भुला दूँ नहीं नहीं मैं तुम्हें भूल जाओ हो नहीं सकता तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा अंजलि चलिए आगे बढ़ते हैं तो जस्टिस विपिन संघाई न्यायाधीश अमजद

तो हुज़ वन अ गोल्ड मेडल इन द दो हज़ार बाईस एशियन यूथ एंड द जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन जुलाई दो हज़ार चलो भाई एनी वन चलिए सर अंकिता सिंह भूल गई मेरे को पुनीत सिंह राजपूत बोल रहे हैं अब वो भूल गई कि तुमने उसको भूलने दिया दोनों चीज़ें होती है ना ठीक है थाली कभी एक हाथ से नहीं बसती है थाली दोनों हाथ से बसती है ये बात हमेशा याद रखिएगा ठीक है और हमारे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वी हैव द वेरी बिग ईगो इन अवर हर्ट उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं उसको क्यों बुलाऊं उसने मुझे पहले फ़ोन नहीं किया तो मैं उसको फ़ोन क्यों करूं अब उसने मुझे बर्थडे नहीं बुलाया तो मैं उसको शादी में नहीं बुलाऊंगा और मैं उसको पूछने क्यों जाऊं मैं क्या उससे कम हूँ मैं भी तो अमीर हूँ मैं भी तो ये हूँ मैं भी तो वो बहूँ मैं भी तो ये हूँ ये ये इंडियंस के साथ प्रॉब्लम बहुत है तो कभी भी किसी भी रिश्ते में अहम अहंकार ईगो देश भावना नहीं रखनी चाहिए ठीक है कोई बात नहीं अगर कोई है किसी के अंदर ऐसी आदत तो ठीक है कोई बात नहीं हमेशा फूफा बनने की कोशिश मत किया करिए चलो आगे बढ़ते हैं आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हर्शदा गरुण इसका आंसर हो जाएगा हर्षदा गुरुण ठीक है शादी में रहता है फूफा लोगों का रहता है एक बार बुलाने जाओ खाना खाने पहले दावत दे दी दोबारा उनको फिर फिर रिमाइंड दिलाया त्यबारा उनको फिर रिमाइंड दिलाया घर पर भी आ जाएंगे और उसके बाद फिर उनको खाना खाने के लिए पहले बोलने जाओ फूफा जी चलो चलते आते 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 हैं दो घंटा पहले उसका बैठे रहेंगे फिर एकदम हाथ पकड़ लेके जाओ तब जाएंगे वो देखा होगा किसी ने हाँ मैंने पता नहीं क्यों ऐसा है मतलब ऐसा है सच में है प्रशांत सही बोल रहे हो और फिर बाद में अगर न, अगर भूल गए धोखे से बुलाना और फिर देखो भाई साहब उसकी शादी के बाद बात करेंगे पहले बात नहीं करेंगे पहले तो एकदम से टमाटर से भी ज्यादा लाल रहेंगे एकदम से बढ़िया और बाद में बोलेंगे हमको किसी ने पूछा ही नहीं हमको किसी ने बुलाया ही नहीं राइट चलिए आगे बढ़ेंगे तो हर्षदा गरुण इसका आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं मोंटी नॉर्मन पास्ट अवे इन द जुलाई 2022 ही वाज अ फेमस जुलाई 2022 में आप मोंटी नॉर्मन का निधन हो गया है और एक प्रसिद्ध क्या थे मोंटी सिंगर पॉलिटिशियन क्रिकेटर और द कंपोजर चलो चलो भाई मोन्टी फेमस क्या आंसर होगा जल्दी बताया नहीं निवन सिंगर थे मोन्टी मोन्टी कंपोजर है भाई मोन्टी तो मोन्टी क्या उनको वो समझ लिया क्या एक दीवाना था एक दीवानी थी हाँ वो कौन सी मूवी थी पहले आई थी एक ऋषि कपूर मूवी आई थी ना टा टा टहा टा टा ताँ 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 ताँ। तो उसमें नाम था मोन्टी उस करेक्टर का तो वहां पे वो सिंगर था लेकिन कंपोजर भी तो था यार गिटार भी बजाता था गाता भी था वो भी करता था लेकिन ये दूसरे हैं नॉर्मन जो है, वो आपके कौन है? कंपोजर यहाँ पर ठीक ठीक है है ये अलग मोन्टी कंपोजर हाँ जी तो ये कंपोजर हो ये सिंगर नहीं है बेटा तुम लोग मूवी मूवी देख के मत बताओ तो ये क्या हो जाएंगे हमारे चलिए चलो भाई तो ये हमारे मोन्टी नॉर्मन जो है वो क्या हो जाएंगे आपके कंपोजर हो जाएंगे ठीक है बात चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया चलिए चलिए और पता है मतलब आपको आपको जान के अच्छा होगा मूवी देखी आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड मूवी देखी हाँ एक हसीना थी एक दीवाना था वही वाला जेम्स बॉन्ड मूवी देखी आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड मूवी देखी है जेम्स बॉन्ड जब मूवी स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा एक टोन बसती है जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड की एक जेम्स बॉन्ड जब आपको कभी एक एक, एक अलग ही टोन है जेम्स बॉन्ड की सुना होगा मूवी देखी अगर आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड मूवी देखी आप लोगों ने जरा बताएं नहीं देखिए कोई बात नहीं जैसे देखिए उनकी बात कर रहा हूँ तो उसमें जो 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 बस्ती है ना टोन बस्ती है जो जेम्स बॉन्ड की स्पेशल एक एक स्पेशल एक टोन है आइकन टोन है तो वो कंपोज की थी कि इन्होंने इन्होंने खोई थी आपकी मॉन्टी मॉन्टी नॉर्मन ने की थी और एक टोन आज भी चलती है ठीक है हाँ म्यूजिक सुना होगा आप लोगों ने तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टी नॉर्मन ठीक है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ जीरो जीरो सेवन डबल ओ सेवन और कुछ लोग इतने बड़े फैन थे अपने नाम का ही ना आगे डबल ओ सेवन लगा लेते थे कॉलेज में वो लगाने से ऐसा लगता था कि वो जेम्स बॉन्ड बन गए कई सारे थे डब्लो सेवन की टी शर्ट पहनते थे डब्लो सेवन अपने नाम में लगा लेते थे फेसबुक के नाम में लगा लेते थे और कई सारी लड़कियां भी होती लगा लेती थी, थी एंजल प्रिया सब एंजल मतलब एक टाइम चला था दो हज़ार में दो हज़ार बारह बाद बत बता रहा हूँ तो ये उस टाइम पर हाँ उस टाइम दो हज़ार में याद थे दो हज़ार के आसपास ये आ, कि सब लड़के जीरो, जीरो लगा के घूम रहे थे जेम्स बॉन्ड बन रहे थे बॉन्ड वाला चश्मा आता था एक वो भी लगाते थे और लड़कियां सारी फेसबुक पे अनुभव बनी थी हुई थी एंजल बनी हुई थी सारी की सारी राइट चलिए फिर कुछ लड़के भी कूद गए उसी मैदान में कद हम भी एंजल बनेंगे तो उन्हें भी कुछ फेंक आईडी बना डाली फेसबुक पर कंपोजर चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कॉलेज बहुत होता था हमारे कॉलेज में कुछ हम लोग बैठते थे कुछ आई बना रखी थी फर्जी वाली लड़कियों के नाम से बढ़िया बढ़िया फोटो डाल देते थे और उसके बाद अपने ही दोस्तों को लड़कों को क्या भेजते थे मैसेज भेजते थे रात में तो खूब मजे लिए आगे से कॉलेज में आगे बढ़ते करिएगा बहुत मजा आएगा आपको राइट अभी आपका दोस्त दोस्त के साथ करिएगा बहुत मजा आएगा हुआ अज्यूम द चार्ज

चलो आंसर को बेटा इसका मनोज कुमार मनोज कुमार इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इफेक्टिव 22 जुलाई 2022 विनायक राय के गुप्ता परितोष त्रिपाठी और पी उदय कुमार चलिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इफेक्टिव बाईस जुलाई दो हजार बाईस विनायक पाई आर के गुप्ता परितोष त्रिपाठी या पी उदय कुमार आंसर क्या होगा इसका बेटा विनायक राय विनायक पाई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए तो इन्हें कि आपने प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं हुज़ बिन अपॉइंटेड एज द डेपुटी इलेक्शन कमिश्नर इन जुलाई दो हजार बाईस जुलाई 2022 में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आर के गुप्ता परितोष त्रिपाठी वेंकट नागेश्वर द सिंधु गंगा धरन एनी वन. चलो भाई बताए जल्दी से आर के गुप्ता एनी वन. चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है चलो भाई गुप्ता जी वो आंसर बेटा आर के गुप्ता आर के गुप्ता इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं कौन सा राज्य सितंबर से 10 अक्टूबर सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा पंजाब गुजरात हरियाणा या फिर आपका केरला पंजाब गुजरात हरियाणा या फिर आपका केरला कौन सा राज्य सत्ताईस सितंबर से दस अक्टूबर दो के बीच थर्टी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा पंजाब गुजरात हरियाणा या फिर आपका केरला चलो भाई बताएं आंसर क्या होगा आपका कौन सा हो जाएगा कौन करेगा बता दीजिए बताइए तो थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स आपका आयोजित किए जाएंगे गुजरात में किए जाएंगे गुजरात इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेशनल गेम्स इसकी शुरुआत कब हुई थी बता सकता है मुझे नेशनल गेम्स की शुरुआत कब करी गई थी कौन सी ईयर में की गई थी जरा बताएं कब की गई थी कौन सी ईयर में की गई थी आपका नेशनल गेम्स की शुरुआत एनी वन कोई बता सकता है एनी वन चलिए उन्नीस सौ इक्यावन बावन वेरी गुड और कोई राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब की गई थी ठीक है गुजरात में तो आपका खेल महाकुम दो हजार दस में जी तो अलग है गुजरात में दो हजार दस में एक याद रखिएगा खेल महाकुम करके मोदी जी ने इसको क्या किया अनाउंस किया था खेल महाकुंभ ठीक है चलो एनी बन इक्यावन बावन हो जाएगा इसका ये इसका इक्यावन बावन हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हु विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिफेंस ए आई डिफेंसियम एंड एग्जीबिशन इन द जुलाई 2022 एट द विज्ञान भवन इन दिल्ली जुलाई 2022 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस ए आई डिफेंस डी ई एफ डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कर्न कौन करेगा तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे पीयूष गोयल करेंगे या फिर आपका राजनाथ सिंह करेंगे या अमित शाह करेंगे कौन करेगा एनी वन नरेंद्र मोदी पीयूष गोयल राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका राजनाथ सिंह इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्लियर हाँ या ना वेरी गुड राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बढ़िया हाँ जी विनल जी बताइए सुनाइए क्या सुनाना चाह रहे हैं आप कुछ गाना वाना सुनाना चाह रही क्या सुनाना चाह रहे हैं बताएं गाना सुना रही हैं क्या सुना रही हैं सुना सुनाइए लेकिन सुनाई देगा नहीं यहां से आज या कल में मैराथन आगा रहे हैं आप आगा नहीं रहे हैं लगा रहे हैं और आज ही है दस बजे अभी अभी दो घंटे के बाद तो आठ से दस बे का टाइम मिलेगा खाना वाना खा लेना और नाश्ता वास्ता कर लेना दस से बारह की मैराथन है दो घंटे की मैराथन है हाँ बारह से दो नेक्स्ट क्लास बारह से दो नहीं दस से बारह यार आई थिंक दस से बारह है लेट मी चेक लेट मी चेक दस से बारह है भाई बारह से दो का इंचार ना करना पता तो क्या बारह से दो का इंजार कर रहे हो बारह से दो बारह से दो बारह से दो नहीं भाई दस से है दस बजे से बारह बजे तक है दस से बारह है दस से बारह टेन टू ट्वेल्व कंप्लीट जीके रिवीजन होगा आ जाना भाई कंप्लीट जीके रिवीजन खुद भी आना रिवीजन आपका रहेगा ठीक है क्लियर चलिए देखिए आपको तो वो भी आ गया आगे बढ़ते हैं दस से बारह आ जाना सारे के सारे बता रहा हूं। सारे सारे नाश्ता लेके लेके बैठ बैठ जाना खाना बैठ जाना खाना जो नहीं आया उस पर माता रानी का पाप लगेगा बता रहे हैं अपने साथ भी आना साथ में साथियों को भी लेके आना चाहे तुम लोगों को ग्रुप ग्रुप भी है शायद सबको लेके आया करो भाई आगे बढ़ते हैं जुलाई 2022 में रानिल विक्रम सिंह ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है रनिल बिक्रम सिंघे जुलाई दो में इस्तीफा दिया था भूटान बांग्लादेश म्यांमार एंड द श्रीलंका भूटान बांग्लादेश म्यांमार एंड द श्रीलंका जरा बताइए वेरी गुड फटाफट आंसर दीजिएगा ये तो लगा दो क्या बिक्रम सिंघे राम बहुत चर्चा में रहा है श्रीलंका राइट right आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका श्रीलंका से दो सवाल हमने देखे आज एक तो श्रीलंका से साल देखा ये वाला और एक देखा कि इंडिया मतलब उसको ऋण डाता टॉप का कौन बनाया पिछले चार महीनों में तो सबसे ज्यादा जो ऋण दिया वो किसने दिया इंडिया ने दिया राइट इंडिया ने ठीक है और देना भी चाहिए पड़ोसी देश है हमारा और पहले से भी संबंध रहे हमारे इतिहास में भी संबंध रहे श्रीलंका से चलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ट आर नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट इन जुलाई दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2022 हज़ार बाईस में किसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन का संबोधित करेंगे सूरत पुणे चेन्नई न्यू दिल्ली हमको लग रहा था भाजपा सरकार नहीं करेगी श्रीलंका का सपोर्ट पूछो क्यों हमको लगा जिस तरीके से ये आ, क्या बोलते हैं जिस तरीके से ये मुग़लों के और मुसलमानों के नाम बदल रहे हैं वहाँ पर मुझे लगा कि कहीं ये ना बोल दें कि सीता मैया को राबड़ उठा के ले गया था और राबड़ तो श्रीलंका का था हम तो कदई मदद नहीं कर सकते हैं जहाँ का राबड़ हो तो हमको लगा ऐसा होगा कुछ लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अच्छी बात है चलिए सीता मैया को उठा के ले गए था ना रावण अब रावण श्रीलंका का है सोचो कितना का जगह ने अपराध किया तो तो नहीं करना चाहिए थे मदद मतलब, क्योंकि रावण वहां का है आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूं बट आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं तो ये मेरा मेरा तो मुझे तो लगा नहीं करेगा मतलब कि मैंने जब देखा मैंने हैं ये कैसे हो गया ये तो मतलब चमत्कार हो गया ठीक है चलिए तो इसी वजह से मतलब ऐसा कुछ नहीं है मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत तो कुछ किया है वो किया है तो किया है इन लोगों ने और किसी ने किया है तो गलती हमारी भी है हमने होने दिया उसको ठीक है हमने होने दिया उसको पहली बात तो ये भी है अगर कोई आके हमारे साथ कुछ करके चला जाता है तो देट मीन्स हमारी भी, तो भी गलती थी ना पहली बात हमने उसको आने दिया पहली गलती और दूसरी बात उसको हमने 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 उसको क्या किया उसको प्लेटफॉर्म दिया कि आओ तुम हमारे साथ कुछ गलत करके जाओ यानी कि हमारी कमजोरी भी थी उस टाइम पर ठीक है तो हमेशा उसको गलती नहीं देनी चाहिए ठीक है चलिए हाँ जी वही तो आंसर हो जाएगा आपका सूरत आंसर हो जाएगा इतिहास देखिएगा इसका सूरत आगे बढ़ते हैं तो नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया था चलिए तो आंसर हो जाएगा सूरत ठीक है सूरत का आंसर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें यार दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तो ये मतलब ये तो सब पॉलिटिक्स है वोटिंग है राजनीति है अब जैसे मान लीजिए अटैक हुआ उस टाइम पर सबसे बड़ी बताऊँ आप लोगों को कि अगर मान लीजिए अटैक हुआ और लूट के ले गए सारे सारे राजपूत राजपूत क्या क्या तो उस टाइम पर जरा बताइए जब अटैक हो रहे थे तब आपकी एकता अखंडता यूनिटी और प्रतिष्ठा सम्मान मर्यादा और छोड़ो गजनबी गौरी अरे भाई तीस तीस पैंतीस पैंतीस अटैक हुए है मंदिर लूटे जा रहे हैं कहाँ गए थे आपके उस टाइम भगवान और कोई ऐसा नहीं था बहुत बड़ी आर्मी लेके आ रहे थे बहुत बड़ा इनके पास तोप और खजानची बहुत बड़ी इनकी सेना हुआ करती थी लेकिन यही हुआ करता था कि अकी भाई साहब यूनिटी नहीं थी एकता नहीं थी उसके बाद फिर बाद में दिल्ली सल्तनत आई दिल्ली सल्तनत ने राज राज किया पूरा ठीक है बारह सौ छः से देख लो बारह सौ से पंद्रह तक तीन साल के आसपास राज्य किया उसके बाद मुगल्स आए फिर अकबर आए अकबर के टाइम पर तो सारे सारे राजपूतों ने वो कर दिया वो कर दिया क्या बोलते हैं आपका मतलब उनके अब उसकी पॉलिसी कह लो क्या कह लो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो दोनों एस्पेक्ट होते हैं इसमें एक तो एस्पेक्ट ये भी है कि उन्होंने अटैक किया वो गलत थे एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमने उनके साथ अपने साथ गलत होने दिया राइट चलिए पीटी वाली क्लास आज नहीं होगी सैटरडे को नहीं होती मैराथन आता दो घंटे करिए इसमें कम्पलीट जगह रिविजन है पीटी टी में के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग आइएगा इसमें राइट मैं बता रहा हूँ ठीक है क्लियर हाँ जी तो आज अभी दस से बारह आपकी मैराथ है ना दस से बारह इसमें हम लोग कंप्लीट जीके एक रिविजन करेंगे और सुपर फास्ट रिविजन करेंगे इसमें जीके का दस से बारह तो आप लोग बिल्कुल भी आना मत बोलिए यहाँ पर ठीक है क्लियर हाँ जी चलो बंदा दिम्बलडन सिंगल्स टाइटल इन द जुलाई 2022 जुलाई 2022 में आपका बिम्बल्टन एकल खिताब किसने जीता है एलेना एलेना रिबकिना ऑन्स जब्योर जेसिका पेगुला और द सिमोना हैलप तो जितने भी आपके बिम्बल्डन हैं जितने भी आपके ये जितने भी आपके क्या बोलते हैं ये ये टाइटल्स हैं सिंगल्स और डबल्स में ये याद कर लेना यूएस ओपन हो चाहे फ्रेंच ओपन हो ये सारे आपको याद होने चाहिए और यहाँ से सवाल पूछा जाता है आंसर हो जाएगा एलेना रिबकीना ठीक है एलियन एलेना रिबकीना इज़ द राइट आंसर ठीक है भाई आगे बढ़ेंगे पॉलिटिका करेंगे अंकिता बहुत जल्दी करेंगे डोंट वरी पॉलिटिका ही करने वाला था बट अभी एग्जाम पड़ गया संडे को पॉलिटिका भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा मेरे और मंडे से पॉलिटी स्टार्ट हो तो रही साढ़े छः बजे सिक्स थर्टी पर आपकी पीटी वाली क्लास में साढ़े छह बजे मंडे से पॉलिटी ही तो स्टार्ट हो रही है तो आइए फटाफट जितने लोगों पॉलिटी करनी है ठीक है राइट आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए द नेशनल फिश फार्मर्स डे फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है सात जुलाई आठ जुलाई नौ जुलाई या फिर दस जुलाई कब मनाया जाता है आपका नेशनल फिश फार्मर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द दस जुलाई दस जुलाई को मनाया जाता है टेंथ जुलाई ठीक है चलिए बाकी जन्माष्टमी थी कल आप लोगों ने मनाई होगी खूब सारा चन्ना अमृत और, और वो क्या मिलता है चन्ना अमृत और क्या मिलती है चन्ना अमृत और पंजीरी मिलती है ना पंजीरी शायद होती है पंजीरी और चन्ना अमृत आपने खाया होगा और बढ़िया से जन्माष्टमी मनाई होगी और यहाँ पर आपको सेल चल रही थी स्विंग इन टू प्रिपरेशन जहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको फोर नाइन्टी नाइन को जगह पर मिलेगा फोर हंड्रेड का मिलेगा नहीं ये आपको कोड लगाना पड़ेगा मेरा एपीएस पास और आप पूरी साल बैठ के पेपर लगाओ जितना लगा सकते हो पूरा टेक्स्ट बुक का मॉक पेपर सब खत्म कर डालो सारे ख़त्म कर दो चलिए हाँ जी ठीक है और आप जाओ आज जाओ नहीं खरीदा खरीद लो इसको ठीक है आप पास ले लो बाकी हम अच्छा है मतलब प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है सच बता रहा हूँ मैं इससे पहले भी जब नहीं पढ़ाता था तब भी यूज करता था इसको बहुत टाइम से और इसने एक बहुत सारे हमारी जो समस्याएं थी वो सॉल्व कर दी थी मेरे पास सपोज डैट की अला एग्जाम के टेस्ट चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं 500 सौ की ये आ रही हज़ार की भी वो आ रही है आठ की भी आ रही है तो एक बार में तीन चार सौ पे करो और पूरे साल के लिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है ए पी सर टेक्स्ट बुक के नाम से आप इसको जाइए इसको क्या करिए आप ज्वाइन करिए और क्लास की पीडीएफ क्लास का लिंक आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा राइट और आपका सुपर कोचिंग ने यू पी के लिए और यू पी टीपल एस के लिए आपके कुछ अलग बढ़िया कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा एक बार विजिट करिए जो कोर्सेज़ उनको देखिए फ्री डिमो वीडियो उनको ज़रूर देखिए और उसके साथ साथ में उसको तैयारी को शुरू करिए तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से दस बजे दस से बारह आज तब तक के लिए टाटा बाबा टेक केयर और हाँ होमवर्क ये है आपका कि पिछले इस वीक का जितना भी करंट अफेयर्स हुआ है जो भी करंट अफेयर्स इस वीक में हुआ है उस पूरे करंट अफेयर्स का आपको क्या करना है रिविज़न करना है बस क्या करना है करंट अफेयर्स का रिविजन करना है बस इतना होमवर्क है आपका इस वीक के पूरे करंट अफेयर्स का रिविजन मारना है आपको राइट ठीक है चलिए मिलते हैं फिर तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर कर बाय बाय